हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट्स की वाटर प्रोपेगेशन के बारे में। मीन्स हम प्लांट्स की कटिंग काट के पानी में रख सकते हैं और पानी में ही उनके रूट डेवलप हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ प्लांट्स जो मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम वाटर प्रोपेगेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनको हम परमानेंटली पानी में रख सकते हैं, वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अगर एक बार रूट अच्छे से डेवलप हो जाएं तो उनको मिट्टी में ट्रांसफर करना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ फिर मिट्टी में ही ज्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा मेरे वो एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी हम प्लांट्स लगाते हैं, कटिंग्स लगाते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे सारे जो एक्सपेरिमेंट है, कटिंग्स हैं, वो सक्सेस हो जाए। मैं भी अगर 10 प्लांट लगाती हूँ तो ज़रूरी नहीं वो 10 के 10 चले। उनमें से कई बार एक भी नहीं चलता और कई बार सारे चल जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इसी तरह से होती है। तो हम कितनी भी केयर कर लें कई बार प्लांट नहीं चलता, तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन हमें ट्राई करना होता है, लग जाए अच्छा है, नहीं लगे तो नेक्स्ट ट्राई, एज सिंपल एज दैट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। शुरुआत जिजी प्लांट से करते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा इंडोर प्लांट है, बहुत ही इजी टू केयर है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि हम इसको कटिंग से लगा सकते हैं। तो हम इसकी कटिंग को पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको पानी में लगा के दिखा रही हूँ। इसमें कोई नोड नहीं होती, तो सिंपली स्टेम में से हमें एक कटिंग निकालनी होती है जिसमें कुछ लीव्स हों, और एक्स्ट्रा लीव्स निकाल के उस कटिंग को हमें पानी में रखना है। कुछ ही दिनों में इस तरह से इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा, सब प्लांट्स अपने अपने हिसाब से रूट्स डेवलप करते हैं, और जब एक बार रूट अच्छे से डेवलप हो जाए तो फिर हम इसको मिट्टी में ट्रांसफर कर देंगे। ये कटिंग मैंने पहले लगाई थी और आप देख सकते हैं इसमें रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हो गए हैं। इस प्लांट की रूटिंग तो हम पानी में कर सकते हैं, लेकिन इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो क्योंकि इसकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं, तो अब मैं इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसके बाद बारी आती है डेफनबेकिया की, और ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत प्रिटी प्लांट है और इजीली पानी में ग्रो कर सकता है। तो ये भी उसी कैटेगरी में आता है कि जिसको आप चाहें तो पानी में भी लगा के रख सकते हैं और चाहें तो आप इसको मिट्टी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों जगह ये अच्छे से ग्रो करता है। इसको ग्रो करने के लिए आप इसकी कटिंग्स को काट के पानी में लगा सकते हैं, या फिर अगर मेन प्लांट में बहुत सारे बेबी प्लांट निकल आए हैं तो उनको निकाल के भी आप पानी में लगा सकते हैं। मेरे भी मेन प्लांट में काफ़ी सारे बेबी प्लांट निकले थे, तो उनमें से एक को मैंने पानी में लगाया था और बाकियों को मिट्टी में लगाया था। तो आप देख सकते हैं दोनों ही बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पानी में भी इसके रूट्स काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रखे हैं और आप इसको लंबे टाइम तक ऐसे ही रख सकते हैं। ये प्लांट 5-6 महीने से पानी में ही है। ग्रोथ इसकी थोड़ी सी कम है मिट्टी वाले प्लांट से, बट ये अच्छे से चल रहा है। तो अगर आपके पास स्पेस कम है और एक लिमिटेड ग्रोथ का प्लांट आप चाहते हैं कि रहे वो, तो आप उसको पानी में लगा लीजिए। और लेकिन आप चाहते हैं कि प्लांट जल्दी से ग्रो हो, बड़ा हो जाए, तो फिर उसको मिट्टी में ट्रांसफ़र करना ज़्यादा अच्छा रहता है। रबर प्लांट, इसकी भी कटिंग को आप बहुत ईजिली पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड तो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ। ये वो कटिंग्स हैं जो अभी मैंने शायद अगस्त के स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर की थी। इनमें भी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, तो इनको मैं अभी एज इट इज रख दूंगी। और ये देखिए इसमें ग्रोथ कितनी अच्छे से हो रही है, इसमें रूट्स कितने अच्छे से आ गए। तो ये सब मैंने एक ही साथ लगाए थे, इसमें रूट्स बहुत अच्छे से हो गए, उसमें हो गए, और लेकिन इनमें रूट्स नहीं हुए। आप इसको बहुत ही ईजिली पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं और बाद में मिट्टी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो अब ये देखिए, ये मैंने इसमें लगा दिया है और ये मैंने पहले ही मिट्टी में लगाए थे, तो मैं खींच रही हूँ तो ये निकल नहीं रहा, दैट मीन्स अभी तक ये ठीक है। और इसी तरह से ये भी अगर आप, तो ये मैंने खाली लीफ लगाई थी बट अभी तक ये देखिए बिल्कुल ठीक है। तो इनको मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, ग्रो हो रही है, दैट मीन्स जब तक ठीक है तो हमारी उम्मीद कायम है। और ये आपने देख ही लिया कि इनमें अभी रूट अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, तो इनको मैं अभी और पानी में ही रखूँगी। ये है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट को आप चाहे तो एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं और चाहे तो पूरे के पूरे प्लांट से भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप इसकी कटिंग काट के लगाना चाहते हैं तो कटिंग्स कुछ इस तरह से आपको काटनी होगी और उसका जो कटिंग का नीचे वाला पोर्शन है उसको आप चाहे तो पानी में लगा दें या फिर मिट्टी में लगा दें, दोनों तरह से ये ग्रो हो जाता है। यहाँ पे एक कटिंग को मैंने मिट्टी में लगाया है और एक को पानी में लगाया हुआ है। इसी तरह से अगर आप सिंगल लीफ को भी पानी में रख देते हैं और या मिट्टी में लगा देते हैं तो उसमें ग्रोथ हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लीफ में रूट्स तो आ ही रहे हैं, साथ में न्यू ग्रोथ भी आ रही है। और आप चाहें तो इस प्लांट को लंबे टाइम तक भी पानी में रख सकते हैं। ये जो बन चुकी शेप का जो स्नेक प्लांट है ये तो काफ़ी टाइम से पानी में ही रखा है और ये अच्छे से चल रहा है, तो इस वाले प्लांट को आप पानी में इजीली लंबे टाइम तक भी रख सकते हैं। लीफ वाले को मिट्टी में लगा दीजिए क्योंकि सिंगल लीफ पानी में बहुत अच्छी लगेगी नहीं, अदरवाइज आप चाहें तो उसमें ग्रोथ तो होती रहेगी जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जो फ्लावर शेप का प्लांट है उसको आप पानी में भी आराम से रख सकते हैं। मैं सक्सेस वाली बात करी तो सारे प्लांट सक्सेस होते नहीं। अब ये देखिए, ये जो येलो वाला स्नेक प्लांट जिसको मैं ज्यादा ग्रो करना चाहती हूँ उसकी तो पूरी लीफ गल गई। एक ही पानी में दोनों लीफ थी लेकिन एक में ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है और दूसरी गल गई है। तो ये हो सकता है किसी के साथ भी। इसके बाद बारी आती है स्पाइडर प्लांट की। ये भी बहुत ही प्रिटी प्लांट है और इसको भी पानी में ग्रो करना बहुत इजी है। तो इसके लिए जो मेन प्लांट होता है उसमें छोटे छोटे फ्लोरेट्स निकल के आते हैं कुछ इस तरह से, उनको आप निकाल के पानी में लगा सकते हैं और इस तरह से इनमें रूट डेवलप हो जाते हैं और इनको आप ऐसे ही पानी में भी रख सकते हैं। इससे रिलेटेड भी मैंने पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे प्लांट की जो हर घर में मिलता है और देखने में बहुत ही प्रिटी लगता है। मैं बात कर रही हूँ पोथोस यानी कि मनी प्लांट की। आप जानते ही हैं इसकी काफ़ी वेराइटीज़ आती हैं, इसको ग्रो करना बहुत ईजी है पानी में भी और मिट्टी में भी। इसको ग्रो करने के लिए कुछ नहीं करना, इसकी कटिंग्स काट लीजिए इस तरह से, मेरा ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैंने इसको पूरा काट लिया है और इसकी बहुत सारी कटिंग्स बना ली है, पूरा एक बंच बना लिया है और उसको पानी में रख दिया है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसमें रूट्स डेवलप हो गए हैं। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ कटिंग्स हैं जो ख़राब हो गई हैं और कुछ अच्छे से ग्रो कर रही हैं, तो ये होता है। अब जब ये कटिंग्स ग्रो हो रही हैं तो अब मैं चाहूँ तो इनको मिट्टी में भी लगा सकती हूँ और चाहे तो मैं इनको ऐसे ही पानी में भी रख सकती हूँ। तो मैंने अभी इनको पानी में ही रखा है क्योंकि मेरे पास मिट्टी में भी पहले से पोथोस लगे हुए हैं काफ़ी सारे। अब एक ही प्लांट की बहुत सारी कटिंग्स बना सकते हैं और छोटी छोटी कटिंग्स में भी अच्छे खासे रूट्स डेवलप हो जाते हैं और उनसे आप नया प्लांट बना सकते हैं। मैंने ये दो तीन कलर के पोथोस लगाए थे और आप देख सकते हैं इन सभी में रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं।
और इसके बाद बारी आती है बहुत ही प्यारे से प्लांट यानी कि ट्री फिलोडेंड्रोन की। ये भी पोथोस की तरह ही होता है, इसमें एरियल रूट्स होते हैं और जैसे कटिंग हम पोथोस की लगाते हैं, मनी प्लांट की लगाते हैं, सेम उसी तरह से हम इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग्स निकाल रही हूँ मेन प्लांट में से और उसके बाद कुछ कटिंग्स को मैं मिट्टी में लगा रही हूँ और कुछ को मैं पानी में लगा रही हूँ। इस प्लांट को आप पोथोस की तरह मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी रख सकते हैं। लेकिन जब हम इसको सिर्फ पानी में रखते हैं तो ग्रोथ तो इसमें होती है लेकिन जो कट आता है फिलोडेंड्रोन में जो स्पेशलिटी होती है वो इसमें नहीं आता। ये जो मेरा प्लांट है 5-6 महीनों से पानी में ही है, छोटी छोटी इसमें ग्रोथ तो आ रही है लेकिन जो कट हम चाहते हैं फिलोडेंड्रोन में वो इसमें नहीं आ रहे हैं। अगर आप सिंपली एक सिंपल प्लांट चाहते हैं तो आप इसको पानी में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें प्यारे से कट वाले लीफ आएँ तो फिर इसको मिट्टी में लगाना ही ठीक रहता है। वेंडरिंग जू, ये तो बहुत ही प्यारा हैंगिंग बास्केट का प्लांट है, किसी भी हैंगिंग बास्केट में इसको लगा दीजिए, बहुत प्यारा लगता है। वैसे तो आप इसकी कटिंग चाहें तो डायरेक्टली मिट्टी में लगा सकते हैं, उसमें भी ये ग्रो हो जाता है, लेकिन कई बार होता है कि ना ग्रो हो तो आप इसकी जो रूटिंग है वो पानी में कर सकते हैं। ये लंबे टाइम तक भी पानी में चलता है लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी मिट्टी में होती है। तो एक बार इसकी रूटिंग हो जाए तो फिर इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र करना ज़्यादा अच्छा रहता है। सिंपली इसकी कटिंग इस तरह से निकालनी है और उसके बाद पानी में लगानी है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने एक प्लांट में से कटिंग निकाली है और उसको पानी में लगा दिया है। ये पहले की कटिंग है जिसमें रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो रखे हैं और ये देखने में बहुत ही प्रिटी लग रहा है। ये प्लांट मेरा लगभग 2 महीने से पानी में है तो ये चल तो रहा है लेकिन ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी कि इसमें मिट्टी में होती। तो एक बार जब रूटिंग हो जाए तो मिट्टी में ट्रांसफर करना ज़्यादा अच्छा रहता है। पोलिस भी एक बहुत ही प्यारा और कलरफुल प्लांट है जिसको आप इजीली पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसकी तो कोई कटिंग टूट के भी गिर जाए तो उसको आप पानी में लगा दीजिए और कुछ ही दिनों में उसमें रूट्स आ जाएंगे और वो प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो उसको इसी तरह से पानी में भी लगा रहने दीजिए और चाहें तो इसको मिट्टी में भी लगा सकते हैं और ये ग्रो होता रहेगा, बहुत ही प्रिटी लगेगा। इसकी तो बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, बहुत ही कलरफुल प्लांट है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको लगा सकते हैं, कोई कटिंग मिल जाए तो उसको भी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में है सिंगोनियम, इसको भी ग्रो करना बहुत ईजी है। इसकी एक स्टेम कटिंग ले लीजिए और उसको पानी में लगा दीजिए, कुछ ही दिनों में इसमें रूट्स आ जाएंगे। इसको भी आप मनी प्लांट की तरह पानी में ही परमानेंटली रख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं और प्लांट बनाना तो मिट्टी में भी इसको लगा सकते हैं, तो जैसा आपका मन करे आप इसको लगा सकते हैं। इन प्लांट्स के अलावा मैंने 2-3 प्लांट और भी ट्राई किए थे, जैसे ये एल्युमिनियम प्लांट है, इसमें रूट्स पानी में बहुत अच्छे से डेवलप हो गए थे लेकिन जब मैंने इसको मिट्टी में लगाया तो वो ग्रो नहीं किया, वो ख़राब हो गया। मिट्टी में मैंने इसलिए ट्रांसफ़र किया था क्योंकि पानी में काफ़ी मंथ से था ये और उसमें फर्दर लीव्स नहीं आ रही थी, बस प्लांट चल रहा था लेकिन वहाँ पर वो नहीं चला। सेम एंजल बेगोनिया के साथ भी वही हुआ कि पानी में उसमें रूटिंग बहुत अच्छी हो गई लेकिन जब मैंने उनको मिट्टी में लगाया तो वो नहीं चले। तो ये अगेन मैं वही बार बार कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम जितने प्लांट लगाए सारे ग्रो करें, तो ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, हम कंटिन्यूस करते रहते हैं, लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं लगे तो नेक्स्ट ट्राई।
ये ब्यूटीफुल सा प्लांट सिस्टिस कलर, इसको तो मैं पानी में भी प्रोपेगेट नहीं कर पाई हूँ अभी तक, इसमें रूटिंग आई ही नहीं है, इसमें तो कोई भी सक्सेस अभी तक मुझे नहीं मिली है, ना पानी में ना मिट्टी में। फ्रेंड्स, ये वो प्लांट्स थे जो मैंने पानी में प्रोपेगेट किए हैं। इनके अलावा भी मेरे पास अभी और बहुत से प्लांट हैं जिनको हम पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जितने भी फिलोडेंड्रोन होते हैं, रेफिडोफोरा प्लांट होते हैं, वो ज़्यादातर पानी में आराम से चल जाते हैं, तो आप उनको भी पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप प्लांट्स को पानी में प्रोपेगेट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए पानी को हर हफ्ते चेंज करना ज़रूरी है। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है और साथ में इससे मच्छरों का भी डर कम रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मच्छर होते हैं वो साफ पानी में भी ग्रो करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वंस ए वीक हम अपने प्लांट्स का पानी चेंज कर दें। इसके अलावा अगर आपके जो प्लांट्स हैं आप उनको पानी में ही रख रहे हैं और उनके रूट्स बहुत लंबे हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो आप उनको ट्रिम कर सकते हैं, उससे प्लांट की ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि सारे प्लांट्स बहुत छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं, तो इनको अलग अलग रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो मैं इनको एक ही बर्तन में रख लेती हूँ। एक ही बर्तन में रखने से मुझे इनको उठाना बहुत इजी हो जाता है, एक साथ उठाया, किचन में ले गई, पानी चेंज किया और वापस रख दिया। इस तरह से ये मुझे कैरी करने में भी ईजी होता है और संभालने में भी ईजी होता है, इसलिए मैं इन सभी प्लांट्स को एक बर्तन में या परात में, आप जो भी कहें, उसमें रखती हूँ। जो बड़े प्लांट्स हैं जैसे बॉटल्स हैं या जग्स हैं, उनको फिर मैं अलग अलग रखती हूँ, लेकिन ये जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको मैं एक ही जगह पे रखती हूँ। विद दैट नोट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा प्लांट कौन सा लगा और आपने अपने घर में कौन कौन से प्लांट वाटर में प्रोपेगेट किए हुए हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।